नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। आज हम बात करेंगे दालचीनी के बारे में। दोस्तों, दालचीनी आपके किचन का या आपके घर का सुपर पावर है। कैसे? यही इसी वीडियो में आज हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको फायदे बताऊं, थोड़ा पास्ट में जाते हैं और समझते हैं कि दालचीनी ने किस तरह से इस दुनिया को बचाया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था। बिल्कुल जैसे आज का वायरस है, वैसे ही स्पेनिश फ्लू ने हजारों और लाखों लोगों की जान ले ली। लेकिन जो लोग सिनेमन यानी दालचीनी की फैक्ट्री में काम करते थे, जो लोग दालचीनी रोज लेते थे, उनको ये स्पेनिश फ्लू नहीं हुआ। और इसके आंकड़े आप चाहो तो किसी भी सरकारी वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो। सिर्फ एक दालचीनी ने हजारों लाखों लोगों की जान बचाई। आयुर्वेदा में दालचीनी को गरम माना गया है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको अगर पेट की प्रॉब्लम है तो आप दालचीनी नहीं ले सकते, बल्कि अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है, खाना नहीं पचता है, तो दालचीनी अमृत समान है आप लोगों के लिए। दालचीनी लेने से आपकी जो जठर अग्नि है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, और देखते देखते आपका इंटेस्टाइन, आपकी आंतें, आपका लीवर साफ होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती और जिनको फैटी लीवर का इश्यू है, स्पेशली ग्रेड वन और ग्रेड टू, वो लोग क्या कर सकते हैं, सुबह जब वो उठें गर्म पानी कीजिए, दालचीनी उसमें डालिए। याद रखिएगा, जितना दालचीनी डालेंगे उतना ही आपने गुड़ डालना है या फिर उतना ही शहद डालना है। जिन लोगों को डायबिटीज है वो शहद का उपयोग ना करके गुड़ का उपयोग करें। तो आपने अगर मान लीजिए 2 ग्राम आपने दालचीनी लिया, तो 2 ग्राम आपने लेना है शहद या फिर 2 ग्राम काला वाला गुड़। उसको खूब उबालिए। जब पानी आधा हो जाए, यानी मतलब अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है वो आधा जब हो जाएगा, तो खाली पेट सुबह उसका सेवन करिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है और जो लोग वात प्रकृति के होते हैं, उन लोगों के लिए इसकी जो खुशबू होती है, इसकी जो स्मेल होती है, वो बहुत अच्छी होती है। अब आप बोलेंगे भाई क्या जब डर लगे तो खुशबू सूंघ ले? नहीं नहीं दोस्तों, खुशबू सूंघने का यह मतलब है कि आपको दालचीनी का उपयोग करना है। जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे आप चाहो दालचीनी रख सकते हो। रात को या कभी भी आपका मन करे तो आप दालचीनी को स्मेल कर सकते हो। याद रखना, दालचीनी जब पाउडर फॉर्म में होता है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। वाइट ब्लड सेल बढ़ाता है। जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, उस दिक्कत को खत्म करने में दालचीनी का बहुत बड़ा योगदान है। और आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है कि वाइट ब्लड सेल जिसके बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बैलेंस्ड होते हैं बॉडी में, बीमारियां उसको कम लगती हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक, जुखाम लगना, लंग्स की दिक्कत जिनको होती है, जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, जो बहुत ज़्यादा खांसते हैं, बात बात पे जुकाम खांसी हो जाना, जब मौसम चेंज होता है, अभी जैसे हमने ठंडा पानी पी लिया, गर्मी का मौसम है और एकदम से ही नाक बहने लग जाती है, ठंड लगना चालू हो जाती है, बहुत बढ़िया चीज़ है। रात में सोने से पहले आपने लेना है दालचीनी, सेम जैसे मैंने आपको बताया, पानी में डाल के उबाल के शहद या गुड़ के साथ, काला वाला फिर से बता रहा हूँ, काला वाला ही गुड़ सबसे उत्तम होता है। रात में सोने से पहले आप उसका सेवन करिए। कफ को कम करता है। इसका मतलब जिन लोगों को डायबिटीज है और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, विश्वास मानिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ सुबह और शाम 2 बार ये दालचीनी का उपयोग करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। वो लोग जिनके शुक्राणु कम है, उनको ये बढ़ाएगा, आपके बॉडी में बैलेंस करेगा। वेरिकोस वेन, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि विपिन, वेरिकोस वेन का क्या करना है यार, हमें बहुत दर्द होता है, कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है वॉक करने में। और बस यही बोलता हूँ, प्लीज़ अपने खाने पीने में इसका उपयोग करें। दालचीनी से बढ़िया आपके नसों के लिए, स्पेशली वेरिकोस वेन के लिए, और कुछ भी नहीं है। जो लोग बहुत कमज़ोर रहते हैं, जो बहुत पतले हैं और जिनके बॉडी में ज़रा शक्ति नहीं रहती, कुछ करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, रात में दालचीनी को दूध में, स्पेशली अगर पाउडर फॉर्म है, 2 से 3 ग्राम पाउडर गर्म दूध में आप पी के सो जाइए। विश्वास मानिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आपकी आपकी आंतें यानी इंटेस्टाइन। अगर आपका इंटेस्टाइन या आंतें ड्राई है, इसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, आपको पॉटी ढंग से नहीं आती है, तो दालचीनी सेम उपयोग करना, या तो दूध के साथ रात को या सुबह पानी के साथ। मूड स्विंग होना,
गुस्सा आना, प्यार आ जाना, एकदम से इरिटेट हो जाना, छोटी छोटी बात पे कंफ्यूज हो जाना, कभी ये सोचना कभी वो सोचना, बहुत फ्लक्चुएशन है दिमाग में, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग है। अगर ये दिक्कत है, दालचीनी सुबह शाम सेवन करें 20 से 25 दिन, जो तरीके मैंने बताए हैं दूध और पानी के साथ, बहुत हेल्प करेगा। स्पेशली अगर आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में ये दिक्कत है मूड स्विंग की, तो दालचीनी का उपयोग सर्वश्रेष्ठ है। कमेंट करके बाद में थैंक यू बोल देना मुझे। दालचीनी को कभी अकेले नहीं लेना है दोस्तों, याद रखना, या तो गुड़ के साथ या फिर शहद के साथ या फिर दूध, ये ज़रूरी है दोस्तों। वात और कफ के लोग लेंगे सुबह दालचीनी, रात को जिनको पित्त बढ़ा हुआ है वो रात में दालचीनी का उपयोग करेंगे। आर्थराइटिस के लोग, जोड़ों में दर्द है, जिनको नींद नहीं आती है, इनसोम्निया की दिक्कत है, ये लोग स्पेशली क्या करेंगे, आप दालचीनी लोगे और कैल्शियम के साथ दालचीनी का उपयोग करोगे। खाने में भरपूर मात्रा कैल्शियम और 2 से 3 ग्राम जो मैंने आपको बताया है दालचीनी का उपयोग। जिन लोगों को दिमाग के रोग का दिक्कत है, जिन लोगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है बॉडी में, सुबह और शाम को दूध के साथ आपने दालचीनी लेनी है। जिन लोगों को पेट का अल्सर है वो सुबह के टाइम पे दालचीनी लेंगे। अब आप सोचो दोस्तों, मैंने आपको 15 से 20 टिप्स बताई हैं बस, और एक्चुअली में आयुर्वेदा में और वाघ भट्टा जी ने खुद बोला है कि इसमें मोर देन 50 बेनिफिट्स है बॉडी के लिए। आपका गला, आपका चेस्ट, लंग्स, आपका दिल, गुर्दा, लीवर, इंटेस्टाइन, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हर चीज़ ऊपर से लेके नीचे तक, दिमाग से लेके वेरिकोस वेन से लेके आपके पैरों तक, हर चीज़ का इलाज है। आपने क्या करना है दोस्तों, 2 ग्राम या 3 ग्राम रोज, या तो सुबह या शाम को चाय की तरह पानी में उबाल के इसको लेना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय मां भारती।